हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर टू करेंगे जो कि जो उसका नाम है होल नंबर्स, और ये कि पेज नंबर 40 पर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट, तो हम देखते हैं 81265 x 169 माइनस 81265 x 69। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमें देख रहा है कि इसमें 81265 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट लगा दी, तो क्या बचा हमारे पास 169, माइनस का साइन बीच में है तो बीच में लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या बचा, ये को बाहर निकल गया तो क्या बचा हमारे पास 69 बचा, तो हमने माइनस का 69 कर दिया और ब्रैकेट को हमने क्या कर दिया, क्लोज। ठीक है, अब 81265 हमने ऐसे उतारा, बीच में क्रॉस का साइन ऐसा ही। अब इस 169 में से हमने 69 को हमने सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे पास क्या आ गया, 100 आ गया। तो अब 100 से हम ब्रैकेट खोल देंगे तो क्रॉस में 100 आ गया। अब 100 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, मतलब दो जीरो हैं इसमें तो दो जीरो हमने पहले लगा लिए और 81265 ऐसे ही उतार लिया, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3845 x 5 x 782 + 769 x 25 x 218। अब हम देखेंगे कि ये तो भाई इसमें कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है, फिर हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी हम इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो ये हमारा सेम वैसा ही क्वेश्चन हो जाएगा जैसे कि हम करते हुए आ रहे हैं। तो हम साइड में कर लेंगे, यहाँ पे 5 से तो मल्टीप्लाई कर ही लो, 5 25, 5 4 20 और 2 22, 5 8 40 और 2 42, 80 लगी, 4 5 15 16 17 18 19 ये बचा क्रॉस 782। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर को, 769 की 25 से करेंगे, 5 5 45, 5 6 30 और 4 34, 5 7 35, 34 8 4, 5 7 35, 36 37 38 39, तो यहाँ पे आ गया 39। ठीक है, यहाँ पे 2 9 18, 2 6 12 और 1 13, 2 7 14 और 1 15, 5 8 और 4 12, 10 11 12, हासिल लगा 1, 5 3 8 और 1 9 और 1, तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आया, यही आ गया 19225 x 218। अब हम देखेंगे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से हमारी ये डिजिट सेम आ गई है, तो हम जस्ट लाइक वैसे ही करेंगे कि कॉमन देखेंगे कि यही डिजिट हमारी कॉमन आ रही है, तो इसे हमने बाहर लिख लिया और जो हमारा बचा उसे हमने ब्रैकेट लगाई, 782 बचा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया और 218 ये लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दी, 19225। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये ऐड करेंगे, तो ऐड कर लीजिए, 782 में हम 218 को ऐड करेंगे, 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 7 और 1 8 9 10, तो हमारा क्या आ गया, ये 1000 आ गया। अब देखो, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, 19225 x 1000। अब जीरो से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, पहले हम 3 0 लगा लेते हैं, फिर 5 2 2 9 1, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।